बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं रुबीना आसिफ, आज मैं आपको ज़रदा बनाना बताऊंगी। ये हमारा रिवायती मीठा है। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो ये है। इसके लिए हमने तकरीबन आधा किलो हमने चावल लिए हैं। ये हमने गुड क्वालिटी का बासमती राइस लिया है और इसे आधा घंटा पहले हमने भिगो दिया था। शुगर लिए हमने, चीनी आम घर में इस्तेमाल होने वाली आधा किलो ही लिए हमने, आधा किलो चीनी ली है, आधा पाव या आधा कप हमने घी लिया है, 1 टीस्पून हमने कलर लिया है जब हम चावल बॉईल करेंगे तो उसमें डालने के लिए, कुछ हमने भगार के लिए जो है सफ़ेद इलायची, लौंग और दालचीनी का पीस लिया है, एक हमने ये खोया लिया है, तकरीबन 1 पाव के करीब हमने खोया लिया है। ये गार्निशिंग में जाएंगी चीज़ें, खोया हो गया, नारियल लिया है हमने, ये सारी चीज़ें गार्निशिंग की हैं, स्लाइस कर लिए हमने नारियल के, कुछ हमने पिस्ते बादाम लिए हैं, कुछ हमने वाइट चमचम लिए और छोटे गुलाब जामुन हैं, कुछ हमने अशरफियाँ ली हैं रेड और ग्रीन। अब हम चावल को बॉईल करने की तैयारी करते हैं। ये हमने जर्दई कलर लिया था 1 टीस्पून, इसमें पानी डाल के इसे लिक्विड हम कर लेंगे, क्योंकि एकदम हम इसे उबलते पानी में अगर डालेंगे तो इसके जो है लम्ब्स बन जाते हैं, इसलिए इसे थोड़े से पानी में घोल के फिर डालें। और ये हमने पानी बॉयल करने के लिए रखा हुआ था, पानी में बॉयल आ चुका है हमारे। अब हम इसके अंदर ये जो हमने कलर लिया था ये डालेंगे घोल के। और इसके अंदर हम कुछ सफेद इलायची, एक ये दालचीनी का पीस लिया है, इससे इसका फ्लेवर अच्छा हो जाता है जर्दे का, ये डालेंगे। कुछ हम सफेद इलायची और लौंगे डालेंगे, 3-4 सफ़ेद इलायची डालेंगे, 3-4 लौंगे डालेंगे हम, ताकि इसकी खुशबू अच्छी आए। और अब इसमें हम ये अपने चावल जो है आधे घंटे पहले हमने इसे भिगोया था ये इसमें डाल देंगे। कलर हम अपने हिसाब से रख सकते हैं, अगर आपको लाइट कलर चाहिए तो आप लाइट कलर भी इसका रख सकते हैं, थोड़ा सा कलर आप कम डालें। अगर आपको जो है डार्क कलर चाहिए, ऑरेंज सा कलर चावलों का चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कलर बढ़ा लें, कलर तो अपने हिसाब से हम कर सकते हैं। अब इसे बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। और इसे हमने चावल की कली हमने नहीं छोड़नी बिरयानी की तरह, बल्कि इसे हमने फुल डन करना है। अब ये हमारे चावल जो हैं वो बॉयल हो चुके हैं और ये देखेंगे ये फुल डन है चावल हमारे, इसमें हमने कनी नहीं छोड़ी है, इसे फुल डन रखा है चावलों को हमने, ये देखें। अब इसका हम पानी निकाल लेंगे। अब हमने इसका चावलों का पानी निकाल लिया है और इसे छल्ली में रख दिया ताकि इसका जो पानी है एक्स्ट्रा पानी सब ड्रेन हो जाए। अब हम इसके भगार की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम 1 चम्मच घी डाल के और इसमें अपने बादाम जो है हल्के से रोस्ट कर लेंगे। ये हमने 1 चम्मच घी डाला है, अब इसमें हम अपने पिस्ते बादाम रोस्ट कर लेंगे, ये हल्के से शाइनी हो जाएंगे और इनका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। अगर करना चाहें तो करें, ये ऑप्शनल है, नहीं करना चाहते आप तो ना करें। बस ये हो चुके हैं, इन्हें चंद सेकेंड ही लगते हैं, जलाइएगा नहीं, बस ये जैसी इसमें खुशबू आए ऐसी निकालिएगा, भी इन्हें निकाल लेंगे हम। अब इसमें हम ये बाकी का आधा कप घी डालेंगे। और इसमें ये लौंग इलायची 3-4 हमने उसमें डाली थी और 3-4 हम इसमें डाल रहे हैं भगार में, 3-4 हमने बॉयल करते वक्त डाली थी, ये डाल देंगे और हल्का सा इनके कड़कड़ाने का इंतज़ार करेंगे, इसमें से खुशबू निकलने लगे। जैसे ही हमारी लौंगों का कलर चेंज होगा और खुशबू आएगी हम इसमें चीनी डाल देंगे, ये आधा किलो हम चीनी डाल देंगे और आधा कप हम इसमें पानी डालेंगे, ये आधा कप हम इसमें पानी डाल देंगे और फिर मिक्स करेंगे। इस चीनी के घुलने का इंतज़ार करेंगे कि जब तक चीनी नहीं घुल जाए, फिर उसके बाद हम इसमें चावल डालेंगे। ये एक तरीके से हम जो है इसका वो शीरा बना रहे हैं, थोड़ी सी देर हम इसे चलाएँगे ताकि चीनी घुल जाए। अब ये हमारी चीनी घुल चुकी है, चीनी को मुस्तकिल चलाते रहे, हल्की आंच पे मैंने इसे घुलाया है, बस खाली चीनी को हमने घोलना है, ज़रूरी नहीं है कि इसमें बॉयल आए, जैसे ही चीनी घुल जाए चला रहे, इसलिए ज़रूरी है कि चीनी हमारी बर्न ना हो। अब इसमें ही हम अपने बॉयल हुए हुए चावल डाल देंगे और इसमें से ये स्टिक वगैरह निकाल दें, इसका काम ख़त्म हो गया, इसका फ्लेवर जो हमें लेना था वो चावलों में हमारे आ गया। अब इसमें हम ये सारे चावल डाल देंगे।
अभी हमने सब चावल इसमें डाल दिए हैं और इसको आँच इसकी अब तेज़ कर दी और इसको हल्के हल्के मिक्स कर लें ताकि तमाम शीरा जो है चावलों में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और इसको तेज़ आँच पे करके पकाएं ताकि शीरा जो है वो खुशक हो जाए। फिर हम इसे दम पे लगाएंगे, पहले हम इसका शीरा खुशक करेंगे। ये हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिए, इस तरह मिक्स करेंगे ये टूटे भी नहीं। ये मिक्स कर दिए हमने और इसे तेज़ आँच पर पका रहे हैं जब तक कि इसका शीरा खुशक नहीं हो जाए। अब ये चावलों का पानी हमारा अच्छी तरीके से खुशक हो चुका है, ये देखें इसका पानी खुशक हो गया है, बिल्कुल खुशक हो गया है। बस इसको ज़्यादा नहीं चलाना, एक दफ़ा जब हम शीरे में चावल डालेंगे उस टाइम अच्छी तरीके से चला के फिर तेज़ आँच पे इसका पानी खुशक करना है। अब हम इसकी आँच को धीमा कर देंगे, दम वाली आँच कर देंगे हम इसकी, क्योंकि अब इसको हमने सिर्फ 5 मिनट दम पे देना है। अब इसमें हम ये अरके गुलाब डालेंगे, अरके गुलाब ये केवड़ा जिसका आपको फ्लेवर अच्छा लगता हो वो डाल सकते हैं, ये 1 टेबल स्पून डालेंगे। मैंने अरके गुलाब इस्तेमाल किया है और ये कुछ हम जो है नारियल के पीस डालेंगे इसमें, कुछ ऊपर से गार्निशिंग के लिए रोकेंगे, कुछ ऊपर डाल देंगे इसके। ये टूटी फ्रूटी जो होती है अशरफियाँ हैं, ये अशरफियाँ डालेंगे हम दोनों तरह की। सिर्फ हम जो है इसमें चमचम और गुलाब जामुन ही डालेंगे दम के टाइम, क्योंकि वो जो है टूट जाएगी, एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, तो उसको हम जो है सर्विंग के टाइम डालेंगे। आधा खोया हम अभी डालेंगे और आधा हम सर्विंग के टाइम डालेंगे। फैला के डालते हैं सब चीज़ों को अच्छी तरीके से। सिर्फ हमने गुलाब जामुन और चमचम रोकी है और बादाम हमने रोका है, क्योंकि बादाम हमने रोस्ट कर लिया था घी में, वो भी हम ऊपर से ही डालेंगे सर्विंग के टाइम। अब इसको हम दम लगा देंगे, इसे तकरीबन 5 मिनट हमने दम देना है और आँच को हमने अब दम पे रख दिया है। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा ज़रदा भी अच्छा दम आ गया है ज़रदे को। अब इस चावल भी चलाने का ये तरीका ये होता है कि कभी भी चावल चलाएं तो आप यहाँ से चलाएं, इस तरह आपका चावल ना टूटता नहीं है। देखें बिल्कुल भी नहीं, नीचे से भी बिल्कुल भी नहीं लगा है, ये देखें बिल्कुल साफ़ है। अब इसे हम मिक्स करके और डिश आउट करेंगे। अब इसे हम सर्विंग बोल में निकालेंगे अपनी प्लेट। आज की रेसिपी ज़रदा हमारा तैयार है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें इतने सारे लवाजमात डालें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी होके बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। इसकी बेसिक रेसिपी सिर्फ चावल, चीनी और घी है, उससे भी बेहतरीन ज़रदा बन सकता है। बस आप मेजरमेंट अगर आपकी अच्छी हुई कि आधा किलो हमने चावल लिया है, आधा किलो चीनी जाएगी, आधा पाव घी जाएगा, अब चाहे आप आधा किलो का बना लें या आप 2 किलो का बना लें, 1 किलो का बना लें, बस आपको मेजरमेंट अगर याद रहेगी तो आपकी चीज़ अच्छी बनेगी। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आएगी। इसमें अगर आप मीठा कम करना चाहें तो आप इसमें मीठा कम कर सकते हैं, वैसे ये बिल्कुल जो है परफेक्ट इसका मीठा रहता है बराबर का, ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नई और आसान रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।